अंबेडकर नगर में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, हमने प्रदेश को माफिया मुक्त कराया, सपा की सरकार में माफियाओं का राज था। सुल्तानपुर एनकाउंटर में बोले सीएम योगी, मुठभेड़ में डकैत के मारे जाने पर सियासत क्यों होती है, अपराधी कोई भी हो सकता है और अपराधी किसी भी को मार सकता है, जो दलित हो सकता है, यादव भी हो सकता है। सीएम योगी बोले सपा नहीं चाहती है कि अपराधियों पर एक्शन हो, बीजेपी सरकार आने के बाद यूपी से गुंडे और माफिया भागे। यूपी के सुल्तानपुर में मंगेश यादव के एनकाउंटर पर राहुल गांधी ने भी सवाल उठाया, कहा कि एसटीएफ को आपराधिक गिरोह की तरह चलाया जा रहा है। मंगेश यादव एनकाउंटर में बोले अखिलेश यादव, लुटेरों से लूट का माल किसने लूटा, जब सब पकड़े गए हैं तो सोना कहां। जम्मू कश्मीर के चुनाव में बीजेपी ने उम्मीदवारों की छठी सूची जारी की, 10 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हुआ। करना सीट से मोहम्मद इदरीस करहानी को बनाया उम्मीदवार, हंदवाड़ा से गुलाम मोहम्मद को भी टिकट। सुनावरी से अब्दुल राशिद खान, बांदीपुरा से नसीर अहमद लोन और गुरेज सिटी से फकीर मोहम्मद खान को टिकट दिया गया है। उधमपुर से पूर्व से आर एस पठानिया को बीजेपी का प्रत्याशी बनाया गया। कठुआ से डॉक्टर भरत भूषण, बाहू से विक्रम रंधावा और विश्नास से राजीव भगत को टिकट। एनसी नेता उमर अब्दुल्ला के आतंकी अफजल गुरु पर दिए बयान पर विवाद, कहा कि हमसे पूछते तो अफजल गुरु की फांसी को नहीं देते मंजूरी। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मुझे नहीं लगता है कि अफजल गुरु को फांसी देने से कोई उद्देश्य पूरा हुआ। उमर अब्दुल्ला के बयान को गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने अपमानजनक कहा कि भारत विरोधी बताया, कहा कि अफजल गुरु और याकूब जैसे आतंकियों के पक्ष में बोलना देश विरोधी है। जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता ने कहा कि उमर अब्दुल्ला का अफजल की फांसी पर सवाल उठाना अशांति फैलाने का प्रयास है, आतंकियों को सपोर्ट करते हैं। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अफजल को कानून के रास्ते में फांसी मिली है, चुनाव जीतने के लिए देश तोड़ने की बात करते हैं उमर अब्दुल्ला। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने पूछा, क्या आपकी समझ सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है, कांग्रेस ने जो जांच की थी क्या वो गलत है। अमित शाह के बयान पर बोले फारूक अब्दुल्ला, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से डरते हैं, हमारी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश। फारूक अब्दुल्ला बोले कि हम उस भारत के खिलाफ हैं जो वो बनाना चाहते हैं, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का है। उमर अब्दुल्ला के बयान पर बोले बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद, कश्मीर अब बदल गया है, लाल चौक पर तिरंगा फहराता है, कश्मीर मुसलमानों का भी है और बकर वालों का भी है। जम्मू कश्मीर दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, 14 सितंबर को जम्मू में जनता को करेंगे संबोधित। हरियाणा में बीजेपी को एक और झटका, भजन गाया कन्हैया मित्तल कांग्रेस में शामिल होंगे, टिकट ना मिलने से नाराज, जो राम को लाए हैं भजन गाया था। इंडिया टीवी से इंटरव्यू में बोले कन्हैया मित्तल कांग्रेस ज्वाइन करना तय है, सनातन की सेवा कहीं से भी कर सकते हैं। कन्हैया मित्तल पर बोले राम को लाए हैं गाना पार्टी नहीं, सनातन की पहचान है, ये एक संत के लिए गाया था। हरियाणा में कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर आम आदमी पार्टी की बातचीत जारी, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी दीपक बावड़िया से मिले आपके नेता राघव चड्ढा। हरियाणा में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सुशील गुप्ता का बयान, बोले कि हमारी सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी है, हरियाणा में आप एक मजबूत विकल्प है। पिछले दो दिनों में 2-3 बार हो चुकी है दीपक बावड़िया और राघव चड्ढा की मुलाकात। मुलाकात पर बोले राघव चड्ढा, उम्मीद है कि फाइनल होगा, उम्मीद पर दुनिया कायम है। टिकट मिलने के बाद पहली बार जुलाना पहुंची विनेश फोगाट, समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। विनेश फोगाट बोले कि मेरे अपनों से मेरा साथ दिया है, आगे भी देंगे, हम सब मिलकर चुनाव जीतेंगे। ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान, बोले कि महाभारत में पांडवों ने द्रौपदी को दांव पर लगाया था, उसी तरह से हुड्डा परिवार ने हमारी बहन बेटियों के सम्मान को दांव पर लगाकर खेल खेला, देश उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। कोलकाता रेप केस को लेकर विरोध में टीएमसी सांसद जवाहर सरकार ने से इस्तीफा दिया। जवाहर सरकार ने ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखी, कहा कि मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। दिल्ली के सरोजिनी नगर में बीजेपी ने चलाया सदस्यता अभियान, सांसद बांसुरी स्वराज पहुंची। दिग्विजय सिंह का मुसलमानों पर बयान, एक कार्यक्रम में बोले सरकारी नौकरियों में मुसलमानों का आदिवासियों से भी बुलाहा। दिग्विजय सिंह ने कहा कि बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने बयान दिया, उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह जिन्ना है, कहा कि गणपति जी उन्हें सद्बुद्धि दें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेरिका के टेक्सास पहुंचेंगे, तस्वीर आई सामने, कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। 9 से लेकर 10 सितंबर को वाशिंगटन डीसी में होंगे राहुल गांधी, भारतीय समुदाय के लोगों के बीच जाएंगे। विदेश मंत्री जयशंकर सऊदी अरब के रियाद पहुंचे, भारत खाड़ी सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। असम में आधार कार्ड के आवेदन के लिए एनआरसी नंबर जरूरी, सीएम हेमता बोले घुसपैठियों को नागरिकता ना मिले इसलिए फैसला लिया गया है। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया, लोगों की समस्याएं सुनी। मणिपुर में सीआरपीएफ ने एक एंटी ड्रोन प्रणाली का परीक्षण किया, राज्य में एंटी ड्रोन गन जल्द लाया जाएगा। सीनियर ब्यूरोक्रेट तुहिन कांत पांडे को वित्त सचिव नियुक्त किया गया है, सरकार ने जारी किया आदेश। मुंबई में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए मुस्लिम मतदाताओं को रिझाने की कोशिश, शिंदे सेना की तरफ से मुस्लिम महिलाओं को बुरका दिया गया। मुस्लिम इलाके में मदनापुर में किया गया भव्य कार्यक्रम, शिवसेना विधायक यामिनी जाधव ने कार्यक्रम का आयोजन किया था। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने पैरालंपिक में पदक जीतने वाली दीप्ति जीवनजी से मुलाकात की और सम्मानित किया। सीएम ने 1 करोड़ रुपए इनाम और वारंगल में 500 गज का प्लॉट देने की घोषणा की। छत्तीसगढ़ के
रायगढ़ में 39वें चक्रधर समारोह का आयोजन, पारंपरिक कर्मा नृत्य की हुई रंगारंग प्रस्तुति, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हुए शामिल। समारोह में हाथ में मांदर लेकर जमकर थिरके सीएम साय, मंत्री रामविचार नेताम और ओपी चौधरी ने भी हिस्सा लिया। लद्दाख के लेह में मैराथन का आयोजन किया गया, कई देशों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। मुंबई में गणेश उत्सव के दूसरे दिन लालबाग के राजा के दर्शन के लिए बड़ी तादाद में लोग पहुंचे, बप्पा की झलक पाने को लोग बेताब दिखे। भुवनेश्वर में पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने गणेश चतुर्थी के मौके पर पूजा की, अलग अलग गणेश पंडालों का दौरा किया। तमिलनाडु के वेदारनम में समुद्र तट गणपति विसर्जन का आयोजन हुआ, गाजे बाजे के साथ विदाई दी गई बप्पा को। मुंबई में गणेश चतुर्थी के मौके पर अंबानी परिवार के निवास एंटालिया में बड़े तादाद में फिल्मी और राजनीतिक जगत की हस्तियां पहुंची।